100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170। यूपी के बरेली से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक तरफ लोग कोरोना की वजह से खौफ में जी रहे हैं, सरकार से लेकर प्रशासन कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन चोरों पर कोरोना का खौफ नहीं है। हैरानी की बात यह है कि चोरों ने चोरी के लिए घर भी चुना, तो ऐसा जहां पूरा परिवार कोरोना वायरस से पीड़ित था। बता दें, बरेली का एक युवक नोएडा में अग्निशमन बनाने वाली कंपनी में काम करता था, जहां युवक कोरोना संक्रमित हो गया, जिसके बाद युवक अपने घर बरेली आ गया, जिसकी वजह से युवक के परिवार में भी 5 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। लेकिन जब परिवार के लोगों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई और वे अपने घर पहुंचे, तो उनके होश उड़ गए। घर में लगे ताले टूटे हुए थे और घर का सारा सामान गायब था। परिवार का अस्पताल में क्वारंटाइन होना चोरों के लिए फायदा साबित हुआ और पूरा घर साफ कर दिया। सवाल ये उठता है कि जब पूरे इलाके को कोरोना की वजह से सील किया गया था और भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात था, तो चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम कैसे दिया? थाना सुभाष नगर क्षेत्र का मामला है। वहाँ पे एक घर है जहाँ के लोग कोरोना पॉजिटिव थे, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। आज करीब 2 बजे के आसपास उनका फोन आया कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है। मौके पे सुभाष नगर पुलिस गए तो पाया कि उनके घर का जो है ताला टूटा हुआ है। चूँकि वो देखा कि ताला टूटा हुआ है, तो ये रात और 1:30 बजे के बीच है कभी की ये घटना हो सकती है। कहाँ लापरवाही हुई है, चूँकि हमारी फोर्स तो वहाँ पे 24 आवर्स मौजूद है। अब ये हमें देखने हैं कि कहीं एंट्री बाहर से हुई है या नहीं हुई है, अंदर की अगर कोई लोग हैं या बाहर के लोग हैं। अब जो भी इसमें जिनकी भी लापरवाही होगी, जांच की जाएगी और उसके आधार पर जो है एडमिट करेगी।